सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइमन कमीशन एंड कम्युनल अवार्ड के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइमन कमीशन के बारे में एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने कम्युनल अवार्ड की तरफ। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये साइमन कमीशन एक्चुअली था क्या और ये क्यों भारत के अंदर लाया गया, क्यों इस कमीशन का गठन हुआ। अब हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या काम हुआ था। तो इसके लिए हमें एक एक्ट को देखना होगा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और इसके अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे प्रोविजंस थे, उसमें से दो प्रोविजंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ये था कि एक बॉडी का गठन होगा 10 सालों बाद, मतलब इस एक्ट के 10 सालों बाद एक बॉडी का गठन होगा, एक कमीशन का गठन होगा, जो कि भारत के अंदर आकर के देखा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्या प्रभाव पड़ा भारतीयों के ऊपर, ये एक्ट कितना सही था कितना गलत था, इसका इंक्वायरी करके इसका रिपोर्टिंग देने के लिए। तो ये 10 सालों बाद जो एक बॉडी का गठन करने मतलब करना था या जो एक कमीशन का गठन करना था, वही कमीशन था हमारा साइमन कमीशन। ये कमीशन कुछ और, साइमन कमीशन कुछ और नहीं, एक सेटोरेटरी बॉडी था, एक सेटोरेटरी कमीशन था, जो कि भारत के अंदर आकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्या प्रभाव पड़ा उसको इंक्वायरी करने वाली, मतलब इसको इंक्वायरी करने वाला बॉडी था। इस साइमन कमीशन का नाम, अब दूसरा सवाल आता है कि भाई साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, क्योंकि इस कमीशन के अंदर बेसिकली 7 मेंबर्स थे और इसके जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन जो थे वो इसके हेड थे और इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ा, साइमन कमीशन। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया हो कि ये कमीशन था क्या और इसको क्यों साइमन कमीशन कहा जाता है। अब हमारे आते हैं वापस इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, मतलब इसके ऊपर। तो यहाँ पे पहला प्रोविजन हमने देख लिया। दूसरा प्रोविजन का ये था कि भाई प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। डायरकी मतलब कि ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको इतना मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे एक ब्लिंक होता हुआ आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको वो समझ में आ जाएगा। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भारतीयों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा या भारतीय क्या चाहते थे, तभी हम लोग पूरे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ऊपर नहीं देखेंगे, इन्हीं दोनों प्रोविजंस के हिसाब से देखेंगे। तो भारतीय चाहते थे कि जो डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल पे, उसको थोड़ा सा रिफॉर्म लाया जाए, उसके अंदर थोड़ा सा सुधार किया जाए। एंड दूसरा वो चाहते थे कि जो कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होगा, जो कमीशन बनाया जाएगा, जो कि साइमन कमीशन एक डिस्कस करते हैं, जो कमीशन बनाया जाएगा उसके अंतर्गत ब्रिटिश मेंबर्स को तो रखा ही जाएगा, उसके साथ साथ इंडियन मेंबर को भी इंक्लूड किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस कमीशन को जब गठित किया गया, जो 7 मेंबर्स का कमीशन बना, उसके अंतर्गत एक भी मतलब इंडियन मेंबर को नहीं जोड़ा गया, कोई भी इंडियन मेंबर इसके अंतर्गत नहीं आया। तो इसके कारण मतलब भारतीयों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि भाई एक भी इंडियन को नहीं जोड़ा गया। भारतीयों के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये एक इंसल्ट टाइप था, क्योंकि देखिए इससे पहले जब इंडियन काउंसिल एक्ट आता था तो इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत क्या किया जा रहा था कि इंडियंस को भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में जोड़ते जाओ, उनकी संख्या को बढ़ाओ। लेकिन जब बात आता है कमीशन का, जो कि इंडियंस के लिए ही है, इंडियंस के ही राय को लेने के लिए है, तो उसके अंतर्गत एक भी जब इंडियन को नहीं जोड़ा गया, तो इसके कारण जो इंडियंस थे उनके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी आ गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए ब्रिटिशर्स के ऊपर। अब जैसे ये साइमन कमीशन भारत के अंदर आता है, कब आता है, तो 1928 के अंतर्गत भारत के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे कि 1928 में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था या इसका गठन हुआ था। तो इस साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 के अंतर्गत, ठीक है, 1927 में इसका गठन हुआ। अब एक साल बाद ये भारत के अंदर आता है 1928 के अंतर्गत। तो भाई यहाँ पे आप जब देखेंगे 1927, तो आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि भाई जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में कहा गया था कि इसके 10 सालों बाद, यानी कि इसके 10 साल हो जाएंगे 1929 के अंतर्गत, तो 1929 में इस बॉडी का गठन होना चाहिए था। लेकिन भाई ब्रिटिशर्स थे, उन्हीं का सारा रूल चलता था, उन्हीं का नियम चलता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 2 साल पहले ये इस बॉडी को मतलब बना दिया, इस बॉडी का गठन कर दिया और भारत के अंदर 1928 में भेज दिया। भारत के अंदर 1928 में आ गया। अब जैसे ही साइमन कमीशन भारत के अंदर आया, तो भारतीयों के अंदर भाई गुस्सा था ही कि एक भी इंडियन को नहीं जोड़ा गया था। अब भारतीयों ने क्या किया, इसका बायकॉट करना चालू कर दिया, इसके खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया, इसका विद्रोह करना चालू कर दिया। तो जैसे ही 1928 में भारत के अंदर ये साइमन कमीशन लैंड हुआ या कहें तो आया फरवरी 1928 में, भारत के अंदर जितने भी लोग थे, यहाँ के जितने भी मतलब इंडियंस थे, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा नारे दिए, बहुत मतलब कहें तो इनका विरोध किया। उन्होंने ब्लैक फ्लैग दिखाया। ब्लैक फ्लैग बेसिकली प्रोटेस्ट के लिए ही मतलब लगाया जाता है,
तो ब्लैक फ्लैग दिखाया और एक उन्होंने नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपने मद्रास सेशन में 1927 जो मद्रास सेशन हेल्ड हुआ था उसके अंतर्गत उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई जैसे ये कमीशन आएगी हम लोग उसका बायकॉट करेंगे, हम लोग उसका विरोध करेंगे। वहीं जो मुस्लिम लीग जो कि लीड किया जा रहा था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, उन्होंने भी इस कमीशन का बायकॉट किया। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि भारत के जितने भी लोग थे, इंडियंस थे, इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। इसी प्रोटेस्ट में एक हमारे मतलब स्वतंत्रता सेनानी इनकी मृत्यु हो गई, दैट इज लाला लाजपत राय। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या कि जैसे इंडियंस जब प्रोटेस्ट पे आ गए तो इनके प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए, रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज करवाया। बहुत जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत जगह जगह लाठीचार्ज हो रहा था। वहीं जहाँ मतलब एक वहां पे लाहौर के अंदर बेसिकली क्या हुआ, लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय और उनके कह सकते हैं जितने भी और इंडियंस थे, उनके जो भी टीम थी कह सकते हैं टीम, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पे लाठीचार्ज हुआ। उसी लाठीचार्ज के अंतर्गत मतलब ये लाला लाजपत राय को चोट लगी और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस के अंदर और ज्यादा आग बढ़ गया क्योंकि एक और हमारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे शहीद हो गए और इसीलिए भारतीयों के अंदर और गुस्सा आ गया और वो लोग और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे और ज्यादा मतलब बायकॉट करने लगे। अब इस साइमन कमीशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, या यू कहें तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट क्या आया। साइमन कमीशन ने क्या पहला अपना रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने कहा कि भाई जो डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे उसको खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे पूर्ण रूप से डायरकी को खत्म करने के लिए बात नहीं कहा गया, केवल प्रोविंशियल लेवल पे खत्म करने की बात कहा गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो प्रोविंशियल लेवल पे आप डायरकी खत्म कीजिए वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देखने को हमें आगे मिलेगा। तीसरा उनका ये था रिपोर्ट के अंतर्गत कि जो आपने सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड का सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है भारत के अंतर्गत वो बहुत बढ़िया से रन कर रहा है, आप इसको और ज्यादा प्रमोट कीजिए और ज्यादा आप सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड को लाइए। अब देखिए ये क्यों ब्रिटिशर्स चाहते थे ऐसा, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस वक्त ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चल रहे थे कि भाई भारतीयों को जितना हम लोग तोड़ेंगे उतने और आसान से हम लोग रूल करेंगे। अब ये जो कम्युनल इलेक्ट्रोड का जो सिस्टम था, सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड का, उसके अंतर्गत यही था कि एक सेक्शन हो गया हिंदू, एक मुस्लिम, एक और मतलब क्रिश्चियन ले लेते हैं, सिख ले लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिलीजन थे उनको तो उन्होंने बांट दिया था कि हिंदू अलग हो गया, इसके लिए अलग इलेक्शन होगा, मुस्लिम के लिए अलग इलेक्शन, क्रिश्चियन के लिए अलग इलेक्शन, सिख के लिए अलग इलेक्शन। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मतलब कम्युनिटी थी भारत की, जो भी सोसाइटी थी, उसको तो उन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया था। अब ये चाह रहे थे कि और ज्यादा हम लोग जो सब सोसाइटी कर सकते हैं हिंदू के अंदर और ब्राह्मण सिख, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, तो इस तरह भी हम लोग और डिवाइड करें, यानी कि ओवरऑल भारतीयों को अच्छे तरीके से पूरा डिवाइड कर दें और आसान से हम लोग रूल करें। तो इसीलिए वो चाहते थे कि और ज्यादा हम लोग कम्युनल इलेक्ट्रोड को प्रमोट करें। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ये जो भी हमारा साइमन कमीशन का जो भी रिपोर्ट आया था उसके कारण एक और एक्ट आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद वाला जो लेक्चर होने वाला है वो इसी के ऊपर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसी मतलब ये जितने भी साइमन कमीशन का रिपोर्ट के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आते हैं इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट होने वाला है, तो भाई इसको आप मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, अब हम एक एक्स्ट्रा थोड़ा मतलब आगे का एक बता देते हैं, दैट इज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है और यहाँ पे जब प्रोविंशियल इलेक्शन को कर दिया जाता है, जब पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शन होता है कब होता है, 1937 के अंतर्गत होता है, तो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सीट्स के ऊपर या बहुत ज्यादा सीट्स कर सकते हैं उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का ही मतलब कब्जा रहता है या कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा सीट्स को जीत लेती है एट द प्रोविंशियल लेवल। सीट्स बेसिकली नहीं होता था, वहां पे मेंबर्स होते थे, तो बहुत ज्यादा मेंबर्स कांग्रेस पार्टी के ही बने थे प्रोविंसेस के लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। तो ये था हमारा साइमन कमीशन। इसके बाद हमें और भी चीजें देखने को मिलेंगी साइमन कमीशन के बाद, दैट इज सेकंड राउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी लक्ष्मीकांत के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पॉलिटी के अगर आधार पर पढ़ें तो ये सब चीजें नहीं है। अगर हम हिस्ट्री के आधार पर जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर और ज्यादा पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में कभी हम लोग और चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने वीडियो के दूसरे फेज के ऊपर, दैट इज कम्युनल अवार्ड। अब कम्युनल अवार्ड क्या है, बेसिकली 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड, ये मैकडोनाल्ड कौन है, तो ब्रिटिश पीएम थे और उन्होंने भारतीयों के सामने एक स्कीम रखी। ये स्कीम क्या मतलब भारतीयों के लिए, नाम के लिए भारतीयों के लिए थी लेकिन वो चाहते अपना ही वाला था। ठीक है, देखिए भारत के अंतर्गत जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन,
इन सभी ग्रुप को एक सेपरेट इलेक्शन या सेपरेट कम्युनल इलेक्शन को पहले से प्रोवाइड कर दिया गया था, पहले वाले जितने भी एक्ट हमने पढ़े उसके अंतर्गत। बच गए थे जो हमारे भारत के हिंदू वाला जो सेक्शन था, जैसे हिंदू लोगों में जो अलग अलग सब होता है ना वर्ग, तो इसको अब वो चाहते थे डिवाइड करना। वो चाहते थे कि भाई अब हम हिंदुओं को भी अलग अलग वर्गों के आधार पे अलग अलग, उसमें भी जब हमने इलेक्शन लेंगे तो ये लोग और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक सामने रखा प्रस्ताव कि हम लोग जो भारत के फॉरवर्ड कास्ट है, ठीक है फॉरवर्ड कास्ट को भी थोड़ा बहुत मिल चुका था तो इसको हम हटा देते हैं, जो भारत के अनटचेबल कास्ट है या जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जिस तरह अभी हम जिसको दलित वर्ग कहते हैं, थोड़ी सी जो पिछड़ी रह चुकी है, तो उस वर्ग को हम लोग एक सेपरेट इलेक्शन का सिस्टम देंगे, सेपरेट कम्युनल इलेक्शन का सिस्टम देंगे, मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे। आप उनके सामने एक स्कीम रखा कि भाई हम आपके लिए एक सेपरेट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। इसे एक और नाम से आता है, दैट इज मैकडोनाल्ड अवार्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको मैकडोनाल्ड ने सबके सामने रखा था, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इसीलिए। लेकिन ये इनकी जो चाल थी ब्रिटिशर्स की, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि पूना पैक्ट हो गया। पूना पैक्ट क्या था? देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो हमारे मतलब भारत की जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थी, ठीक है, जो भी थोड़ी दबी कुचली क्लासेस थी, इन दोनों आदमी के बीच में हो गया एग्रीमेंट। क्योंकि जब तक यूनिटी रहेगी तब तक ब्रिटिशर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो इसीलिए इन दोनों कम्युनिटी या इन दोनों के बीच में हो गया एक एग्रीमेंट कि हम लोग क्या करेंगे, इस कम्युनल अवार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग अलग अलग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम लोग सेपरेट इलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग सेपरेट इलेक्शन को विरोध करेंगे, सेपरेट इलेक्शन को खत्म नहीं होने देंगे, और यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, ज्वाइंट इलेक्शन, यानी कि पूरी हम लोग हिंदू सोसाइटी या हिंदू रिलीजन ये एक रहेगी और हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटेंगे। तो ज्वाइंट इलेक्शन यहाँ पे वो स्वीकार कर लिए। ठीक है, जो भी ये हमारे इंडियंस थे वो ज्वाइंट इलेक्शन को यूज किया, यानी कि ज्वाइंट इलेक्शन को उन्होंने समर्थन दिया, सेपरेट इलेक्शन को उन्होंने बायकॉट किया। तो अब इसके अंदर बेसिकली पूना पैक्ट में हुआ क्या, तो जो भी हमारे भारत की डिप्रेस्ड क्लास थी उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो भी भारत के पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ पे एक नाम आता है बी आर अम्बेडकर साहब का, तो इन सभी लोगों ने क्या किया, जो भी डिप्रेस क्लास थे उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई आप इस सेपरेट इलेक्शन या कम्युनल अवार्ड को आप मत स्वीकार कीजिए, हम आपका रिप्रेजेंटेशन करेंगे और हम आप इसीलिए हम लोग आपके कुछ सीट्स को रिजर्व कर देंगे। यानी कि अब यहाँ पे हमें रिजर्वेशन देखने को मिला, यानी कि कुछ सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। अब डिप्रेस क्लास के भी लोग आएंगे रिप्रेजेंट होकर के, इनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा और ये कम्युनल अवार्ड यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड को यहाँ पे उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इन्होंने बस यहाँ पे कम्युनल अवार्ड में था क्या कि इन्होंने माइनॉरिटी सेक्शन के लिए भारत के एक रिप्रेजेंटेशन रखा जो कि अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि पूना पैक्ट हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया भारतीयों के बीच में। तो आई होप आपको ये कम्युनल अवार्ड और साइमन कमीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिएगा भाई, बहुत अच्छा लगता है, मतलब कमेंट आपका आता है तो। एंड तीसरा चीज, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।